सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हम 77 ईयर्स पूरे कर रहे हैं और 78 अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष में भारत सरकार की जो मुहिम है कि 9 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाए, उसी मुहिम के तहत हम भी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस मुहिम का मेन उद्देश्य है कि हर नागरिक की और हर जनता की इसमें पूरी तरह भागीदारी हो, एक पूरा फेस्टिवल का माहौल रहे कि एक हफ्ता पूरा हम स्वतंत्रता दिवस सप्ताह मनाएं, ताकि हर जनता के मन में भी अपने देशभक्ति की भावना को बढ़ा सके। उसी के तहत हमने आज सुबह पहले स्कूल में बच्चों के साथ कार्यक्रम किया और अब उसी के क्रमानुसार एक हम रैली निकाल रहे हैं। हमारी 166 बटालियन की नफरी है, इसके अलावा सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल और आम पब्लिक भी इसमें भागीदारी कर रही है। सबसे पहले मैं केसर न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये 14 अगस्त और 15 अगस्त के हवाले से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई जी ने हर घर तिरंगा 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक को हर घर में तिरंगा यात्रा करनी है। और आज इसी शोक में, इसी खुशी में हमने बानिहाल में कॉन्वेंट स्कूल से लेकर ट्रकयार्ड तक बानिहाल यूथ के साथ, बानिहाल इमरान मोटर के साथ जिन्होंने कुछ गाड़ियां भी वक्फ की इसके लिए, और इन कलेबरेशन विद CRPF बानिहाल, J&K पुलिस बानिहाल और यहाँ की पब्लिक के साथ हम इस खुशी को मनाने जा रहे हैं। और मैं देश के सभी लोगों को इस दिन की शुभकामनाओं से नवाजता हूँ। यहाँ पे मना रहे, कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, इसलिए आज हर जम्मू कश्मीर में हर घर में तिरंगा फहरा रहे हैं, क्योंकि आज हमारी खुशी का लहर एक चल रही है। और कल जो यहाँ पे आज ये रैली हो रही है, ये CRP कैंप के, इसमें पुलिस है, CRP के और पुलिस के नौजवान हैं और ख़ासकर यहाँ के जो NGOs है और यहाँ पे सोशल एक्टिविट है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी काल होते तो हम लोग इनके शाना बशाना शान होते थे। और इसके साथ ही मैं आज बनिहाल में एक खुशी की लहर है 15 अगस्त की, जो हर घर तिरंगा है, हर घर तिरंगा रहना चाहिए और ये खुशी की लहर है आज बनिहाल में। शुक्रिया।